हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे झारखंड में ये जो है 3421 पदों का सृजन हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है कि यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, +2 स्कूलों में जो है 556 प्राचार्य के पद सृजन की स्वीकृति दे दी है शिक्षा मंत्री ने। और यहाँ पे देखिए 3421 पद के शिक्षक के लिए सृजन का यहाँ पे स्वीकृति मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए 52,000 दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य के स्कूलों में नामांकित है। तो यहाँ पे देखिए नियमावली के 10 वर्ष बाद पद सृजन हो रहा है, यानी कि जब नियमावली बनी थी उसके 10 वर्ष बाद यहाँ पे पद सृजन का यहाँ पे प्रस्ताव यहाँ पे जो है स्वीकृति मिल गई है। +2 विद्यालय में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2022 में ही नियमावली बन गई थी, लेकिन प्राचार्य का पद ही सृजित नहीं किया गया था। अब नियमावली बनने के 10 वर्ष बाद सृजित किया जा रहा है। शिक्षक संगठनों की ओर से काफी दिनों से विद्यालयों में पद सृजन की मांग की जा रही थी, इसलिए यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। देखिए यहाँ पे शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति होगी। ये राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन के लिए शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति होगी। इसके लिए पद सृजन की प्रक्रिया शुरू की गई है, पद सृजन पर सहमति दे दी है। +2 विद्यालय में प्राचार्य का पद भी सृजित होगा। विद्यालय में 556 प्राचार्यों का पद सृजन होगा। विभागीय स्तर पर प्राचार्य के पद सृजन की भी सहमति मिल गई है। इस यहाँ पे देखिए, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए, शिक्षकों के लिए यहाँ पे जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि गठन के बाद पहली बार स्कूल में दिव्यांग बच्चों के लिए स्थायी शिक्षक की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को सहमति दे दी है। राज्य के सरकारी विद्यालय में कुल 3421 सहायक आचार्य पद सृजित किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इन शिक्षकों के वेतन पर वार्षिक लगभग यहाँ पे 13.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने आलोक में हर स्कूल में कम से कम एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसमें है दिव्यांग बच्चों के लिए। राज्य के विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक में कुल 22,634 बच्चे नामांकित हैं। कक्षा में 1 से 5 में 27,975 बच्चे नामांकित हैं। और में कक्षा 6 से 8 में 18,060 विद्यार्थी, और कक्षा 9वीं और 10वीं में यहाँ पे 4,866 विद्यार्थी, और 11वीं 12वीं में कुल 1,733 विद्यार्थी नामांकित है। तो यहाँ पे देखिए, इन्हीं के जो है पठन पाठन यानी कि अच्छी स्कूली शिक्षा के लिए यहाँ पे जो है राज्य ने 12 वर्षों के बाद यही फैसला लिया है कि 1 से 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए अलग अलग यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जो कि यहाँ पे देखिए, हो सकता है सीटेट जेटेट कोई भी यहाँ पे मांगा ना जाए। जैसे डीएलएड और बीएड किए हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसकी जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, पहले विजिट करें प्लीज, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। न्यूज आई है रांची से, तो जैसे ही और अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगी। इसका देखिए, कोई भी नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं।